हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्नेहलता। आज हमारा जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें अपना फोर्थ लेक्चर जो है हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, इससे पहले जो है हम इसके तीन लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यू कर चुके हैं, और जो हमारा फोर्थ लेक्चर है हमारा, ये सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है। हमने स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, हमने डेटा के बारे में पढ़ा, डेटा कितने प्रकार का होता है और डेटा जो है वो किस प्रकार से हम डेटा को यूज कर सकते हैं ना, ये चीजें हम कर चुके हैं। आज जो है हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जो डेटा है किस प्रकार से जो है वो हम उसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उसकी एवरेज कैसे निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एवरेज से भी हम डिनोट करते हैं, है ना, कि सेंट्रल का मतलब ही क्या है, सेंटर जिस टेंडेंसी का सेंटर आ रहा है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एक डेफिनेशन हम देखें, बहुत सारे दोनों ने सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन हमें दी है। एक डेफिनेशन हम देखें गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं कि जो केंद्रवर्ती मान है वह मान है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्य मान का द्योतक है, यानी कि हम चाहे ऑब्जर्वेशन करें या जो ग्रुप ऑफ पर्संस लें, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लें, ठीक है, उनके बीच में जो मध्य मान होता है उसको डिनोट करता है, उसका द्योतक है। एंड एवरेज इज ए नंबर इंडिकेटिंग इन सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ऐसा किसने कहा, गिलफोर्ड ने कहा। रिपीट कर रही हूं मैं, एन एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कह सकते हैं, एन एवरेज इज ए नंबर ऑफ इंडिकेटिंग इन सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जर्वेशन और ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा गिलफोर्ड ने कहा। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है, देखिए जब अंकों का आवृत्ति वितरण होता है, आवृत्ति वितरण में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने कल भी बताया आपको कि जब कोई भी डाटा जो है वो बार बार फ्रीक्वेंट करता है, बारंबारता जब किसी डाटा की होती है तो उसका जो वितरण होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, है ना। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद जो उसका अगला पद है वो क्या है, वो है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी की गणना करना, कैलकुलेट करना और सेंट्रल टेंडेंसी का मापन करना, ठीक है। अब जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसका जो है वो अर्थ हम दो रूपों में ले सकते हैं, एक तो जो है वो अर्थ हम ले सकते हैं औसत के रूप में, ठीक है, जिसको हम एवरेज कहते हैं। औसत क्या होता है, अब जब कोई ग्रुप है या कोई समूह है, ठीक है, उस वो जो उसके दो जितने भी ग्रुप के सभी सदस्य हैं वो जितने जो है क्या है, जिस सभी अंकों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उस समूह की उपयुक्त उपलब्धि का विवरण हमें देता है। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा देखें हम तो, द वैल्यू ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एवरेज विच रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द स्कोर्स मेड बाय द ग्रुप एंड सच गिव्स ए कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप एज ए होल, ठीक है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है उस मूल्य से है जो उस आंकड़ों को या प्राप्त आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और वह मूल्य जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, साधारण अर्थों में हम उसको एवरेज ही कहते हैं। अब जो है अगर मैथमेटिकल एवरेज की हम बात करें तो उसके लिए जो प्रचलित शब्द है वो क्या है, वो हमारा एवरेज ही माना जाता है, ठीक है। आप रोज के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं, रोज महोदय क्या कहते हैं, रोज कहते हैं कि जो केंद्रवर्ती मान है वह मान है जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, इट इज द वैल्यू विच टाइपिफाइज और द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो कि जो जितने भी डाटा हैं हमारे जो सबसे ज्यादा जिसको रिप्रेजेंट करता है, श्रेष्ठतम मूल्य जो है वो क्या है, एवरेज है। अब हम इसको अगर एग्जाम्पल लेके इसको आपको समझाया जाए थोड़ा सा, तो देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत क्या है कि हमारे पास केंद्रीय वर्ती मान जो है ना वो अलग अलग आंकड़ों, तथ्यों या व्यक्तियों की योग्यता पर जो है वो प्रकाश नहीं डालता, बल्कि वह सामूहिक रूप से संपूर्ण वर्ग या श्रेणी की जो योग्यता है या जो पूरा ग्रुप है या जो पूरी कैटेगरी है उसकी योग्यता, उसकी विशेषता का जो है वो वर्णन यहाँ पर करता है।
ठीक है। और इस प्रकार क्या है, वह पूरे समूह की प्रवृत्ति या मूल्य की ओर संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास जैसे पांच छात्र हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पांच छात्र हैं, जैसे सात, इनका जो नंबर है वो है 7, 9, 5, 6 और 8, 7, 9, 5, 6 और 8, ठीक है। ये जो है वो पांच स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन इनकी अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है तो देखिए सबसे ज्यादा जो वर्ड है, अगर हम इसको आप कहें तो वो वर्ड हमारा क्या है, सात एक ऐसा वर्ड है, 5, 6, 7, 8 और 9, तो जो सात वर्ड है हमारा वो एवरेज वर्ड है इसके अंदर, ठीक है। या इसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी हम कहें तो वो क्या है, जो क्योंकि इधर भी जो है, इधर ग्रुप के जो सदस्य हैं स्टूडेंट्स के, इधर भी ग्रुप के जो स्टूडेंट्स जो सदस्य हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों किसको बीच में जो सबसे सेंटर का काम कर रहा है वो क्या है, वो हमारा जो सातवां स्टूडेंट है वो कर रहा है। इसके इर्द गिर्द ही जो सारे स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो जो यहाँ पर क्या है स्टे कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो इसको डिनोट कर सकते हैं। ये है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। ध्यान से देखें तो सात जो अंक है उसके आसपास जो है सभी अंक जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने ग्रुप, अपने सभी ग्रुप के सदस्यों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सातवां अक्षर जो है, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं सांख्यिकी में, इसको जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और इन मूल्यों को सांख्यिकी में क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है या माध्य कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम देखिए, ये तो हो गया हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कार्ड की सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ना। अब सेंट्रल टेंडेंसी की एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी कि रोज कहते हैं कि जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, रोज कहते हैं कि जो सारे आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो सारे आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो ही सेंट्रल टेंडेंसी है। इट इज द वैल्यू विच टाइपिफाइज और बेस्ट रिप्रेजेंट्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसा रोशनी ने कहा। अब देखिए, अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है, हमने इसका अर्थ जान लिया कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कि जैसे जो मोर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम उसको एवरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है, कहाँ पर हम सेंट्रल टेंडेंसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हम चाहे इसके ऑब्जेक्टिव कहें या कार्य कहें, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे अंक हैं या समंक जिसको हम बोलते हैं, तो समंकों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना, कि जो हमारे अंक हैं उनको सबसे पहले क्या करती है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो संक्षिप्त रूप प्रदान करती है। दूसरा, जो हमारे समंक है समंकों को तुलना करने योग्य बनाते हैं, कि हमारे पास जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, चाहे वो ग्रुप के अंदर है या एक ग्रुप के अंदर है या ज्यादा ग्रुप्स के अंदर है, तो उसके अगर हमने कंपैरिजन करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कोई भी आइटम्स हैं हमारे या डिफरेंट पर्संस हैं उनके बीच में जब हमें कंपैरिजन करना है या तुलना करनी है, तो वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो हम सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा हमारा है पथ प्रदर्शन करना, कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है या कोई भी जो एग्जामिनर है वो असेस करता है, तो जो उसकी गाइडेंस जो है वो किसका है, वो सेंट्रल टेंडेंसी उसका एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम करती है। इसके बाद आता है समूह के गुणों का कार्यों को प्रवृत्ति मापों के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, कि जो कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप के जितने भी गुण हैं, ठीक है, उन गुणों का और उसके जो कार्य हैं उन कार्यों को क्या है, हम सेंट्रल प्रतिमा क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है तो उसको उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं किसी भी ग्रुप के कार्यों को। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक दो जो फंक्शंस और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से क्या है, जो हमारे प्राप्तांक हैं प्राप्तांकों में अर्थ को केवल कुछ अंकों या शब्दों के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है कि उच्च संख्या के विश्लेषण जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का बहुत अधिक महत्व है, फॉर एग्जांपल हम कोरिलेशन निकालते हैं, वहां पर भी हमें क्या है, जब कोरिलेशन निकालते हैं या टी टेस्ट हम लगाते हैं तो वहां पर भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। और सबसे पहले क्या होगा, हमें सबसे पहले वहां पर मीन की आवश्यकता पड़ती है,
ठीक है, जब टी टेस्ट हम निकालते हैं, टी टेस्ट हम लगाते हैं, देखिए तो बात की बात है, चलो छोड़िए आपके, लेकिन हम क्योंकि अभी आज हम सेंट्रल टेंडेंसी पे ही फोकस करेंगे यहाँ पर, तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन की बात हम मेनली आज यहाँ करने वाले हैं। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसके मेनली कितने पार्ट हैं, देखिए एक बार मैं अगर रिवाइज कराऊँ थोड़ा सा आपको, तो मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहा, या मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो अर्थ है वो क्या है, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है, केंद्रवर्ती मान वह मान है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्य मान का द्योतक है। एन एवरेज इज ए नंबर इंडिकेटिंग इन सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा गिलफोर्ड ने कहा। अब हमने एग्जांपल दिया सेंट्रल टेंडेंसी का कि ये जो 7 नंबर है ये क्या है, ये इसका सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में हमने बताया कि संघों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना, संघों को क्या है, तुलना योग्य बनाना, संघ मतलब डेटा या अंक, ठीक है, पथ प्रदर्शन करना, समूह के गुणों या कार्यों को प्रवर्ती मापों के द्वारा सरलता से हम समझे जा सकते हैं, और इसके अलावा मैंने बताया कि जो स्टैटिकल टेक्निक्स का अगर हम जहां पर प्रयोग करते हैं जैसे कोरिलेशन है, टी टेस्ट है, वहां पर भी हमें क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता पड़ती है। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मापक हैं वो कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर जब हम मीन मीडियन मोड की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक पार्ट है तीनों, ठीक है, जिसको हम मीन के नाम से जानते हैं, मोड के नाम से जानते हैं, मीडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी नोट कर सकते हैं। देखिए तीन प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पर दिखाती हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, औसत के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर औसत हो गया, ये डायग्राम सभी बच्चे डी बना सकते हैं, डी नोट कर सकते हैं इसको। अब जो औसत है उसको हम जो है वो तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला क्या, पहला हमारा मध्यमान या मीन जिसको हम कहते हैं, मध्यमान, मध्यांक, मीन, मीडियन, मोड, मध्यांक और बहुलक, बहुलक, ये तीन इसके मेजर पार्ट है, ठीक है। अब जो मध्यमान है सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बहुलांक, सबसे पहले हम मध्यमान की स्टडी करेंगे। अब जो मध्यमान है वो क्या चीज होती है और उसको किस तरह से जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, तो जो मध्यमान है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं आगे, ये डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है। मध्यमान में क्या है आपका, एक तो हो गया व्यवस्थित, व्यवस्थित ग्रुप से मध्यमान निकाला जा सकता है, और दूसरा अव्यवस्थित रूप से भी जो है वो मध्यमान निकाला जा सकता है, अव्यवस्थित ग्रुप और अव्यवस्थित ग्रुप के क्या होंगे आंकड़े, व्यवस्थित आंकड़ों से हमारे पास जो ग्रुप के आंकड़े आते हैं, ठीक है, ग्रुप में हम जितने भी हमारे पास चाहे कोई पर्सन है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई वस्तुएं हैं, उसको हम क्या है उसको हम डेटा के रूप में यहाँ पर जो है वो डिनोट करते हैं, तो इसको जो है वो व्यवस्थित आंकड़ों से निकाला जा सकता है और अव्यवस्थित आंकड़ों से इसको निकाला जा सकता है। अब जो हमारा अव्यवस्थित व्यवस्थित आंकड़े हैं इससे भी इसको भी क्या है, इसको भी फर्दर हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग मेथड के द्वारा और शॉर्ट मेथड के द्वारा, दीर्घ विधि और जो है संक्षिप्त विधि, ठीक है, इसको भी अगर हम डायग्राम बनाए रहे हैं तो पूरा ही बनाते हैं, ठीक है, दीर्घ विधि के द्वारा भी माप सकते हैं इसको और संक्षिप्त विधि इसके द्वारा भी हम इसको माप सकते हैं, ठीक है, ये दो विधियां हो गई। अब दोनों विधियों में से इस अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमने सारे स्टेप्स जो है यहाँ पर फॉलो करें, जैसे देखिए सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा क्या हुआ,
सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय मान, इसका हम एवरेज के रूप में इसको डिनोट करते हैं। एवरेज के बाद क्या है, एवरेज तीन पार्ट में जो है इसको यहाँ पर दिखाएंगे कि तीन इसके मुख्य भाग होते हैं, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। ठीक है, सबसे पहले हम मध्यमान की स्टडी करेंगे कि मध्यमान या जिसको हम मीन भी कहते हैं कि मीन क्या होता है। ठीक है, मीन को हम दो तरह के आंकड़ों के साथ निकाल सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरा जो है अव्यवस्थित तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जो व्यवस्थित तरीका है उसमें दीर्घ विधि है हमारी और संक्षिप्त विधि है। ये तो था हमारा डायग्राम सेंट्रल टेंडेंसी का। ये डायग्राम जो है सभी बच्चे अच्छे से बनाएंगे और इस डायग्राम के द्वारा जो है वो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे कल हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की कि जब हम किसी ग्राफ के द्वारा या जब हम रेखाओं के द्वारा किसी भी चीज को डिनोट करते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है वो समझने वाले के समझ में भी आ जाती है और हमारा काम जो है उससे आसान भी हो जाता है। ठीक है, कम समय में और ज्यादा उसका आउटपुट जो है वो हमें मिलने देखने को मिलता है। अब बात आती है मीन की, कि मीन क्या होता है। ठीक है, मीन या मध्य क्या होता है। अब मध्यमान का अर्थ क्या है, और सिंपली भाषा में हम कहें कि जो मीन है उसको कैसे निकाला जाए, तो मीन को निकालने का भी क्या है हमारा एक फार्मूला होता है मीन को निकालने का। और मीन होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी मीन होता क्या है। ठीक है, और मीन को निकालने का जो फार्मूला है हमारा वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, कि जो हमारा मीन है मीन को हम एम से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, या मीन पूरा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो तरीका है ये है मीन को निकालने का। ठीक है, जो मीन है सबसे पहले मैं थोड़ा सा अर्थ बताऊं आपको कि मीन का अर्थ क्या है। मीन किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उसकी जब टोटल अंकों की संख्या से भाग कर दिया जाता है जोड़ करके, तो जो भागफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक जो है हम स्टेटमेंट लेते हैं कि किसी टेस्ट के अंदर जो प्राप्तांक हैं, किसी टेस्ट में कुल प्राप्तांक हमारे पास हैं, टेस्ट के कुल प्राप्तांक हैं हमारे पास क्या हैं, जैसे प्राप्तांक होंगे हमारे पास 10, 12, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, ये प्राप्तांक है हमारे पास, तो हमने इसका मीन निकालना है। हम क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ करके जो है जब इसकी टोटल नंबर से भाग कर देंगे तो वो जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, ये जितने कितने हो गए 1, 2, 3, 4। ठीक है, टोटल जो संख्या हमारा टोटल कितना हो गया इसका, इसका टोटल हो गया हमारा 52 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा ठीक है वो हमारा क्या है, वो हमारा मीन है, ये हमारा मीन है। ठीक, तो मीन को इस तरह से जब हम जो ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स को क्या है, जो टोटल ऑफ द ग्रुप्स के जो संख्या है उसको नंबर ऑफ ग्रुप से जब हम डिवाइड करते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जब हम किसी ग्रुप के सदस्यों की कुल संख्या को योगफल को जब हम भाग देते हैं तो उससे जो निकल कर आता है वो हमारा मीन होता है। मीन को ही हम एक्चुअली के अंदर क्या कहते हैं, मीन को ही हम जो है वो मध्यमान कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मध्यमान पर एक लेक्चर आज का। ठीक है, अब मध्यमान की विशेषताएं क्या है, मध्यमान की जो है वो कमियां कौन कौन सी हैं, कई सारी ऐसे फीचर्स हैं जो मध्यमान की हैं, और जो वो हम अभी विशेषताओं के बारे में अगर पढ़ें तो मध्यमान क्या है, कुल पदों के माप के योग को जब पदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, यानी कि कुल पद कितने हुए, जो कुल पद हैं हमारे ये सारे क्या हैं, ये हमारे पद हैं, जब इनको आपस में प्लस करके इनकी जो कुल संख्या से भाग दे दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। फिर क्या है, मध्यमान की एक विशेषता ये होती है कि इसमें जितने भी पद होते हैं सबकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, किसी भी की वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा नहीं हम काउंट करते।
फिर मध्य मान क्या है, आवृत्तियों पर निर्भर न करके समस्त पदों के मूल्यों पर निर्भर करता है, यानी कि कोई अक्षर दो बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इससे कोई फर्क मध्यमान को नहीं पड़ता है, बल्कि क्या है, समस्त जो वैल्यू है, हर एक पद की अपनी एक वैल्यू है और हर एक पद को जोड़ दिया जाता है और उसके आधार पर ही फिर क्या है उसको नंबर ऑफ से जो स्टूडेंट्स या ग्रुप्स के जो जितने भी आइटम्स हैं उससे भाग दिया जाता है। फिर मध्यमान तथा पदों की संख्या ज्ञात हो तो कुल पदों का वास्तविक योग ज्ञात किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी कुछ मध्यमान की जिसको कि हमने यहाँ पर पढ़ा। अब जो मध्यमान है, मध्यमान प्राप्त करने के दो मेथड मैंने आपको और बताए कि सिग्मा लॉन्ग मेथड और संक्षिप्त मेथड। जो लॉन्ग मेथड है हमारा, उसका जो फार्मूला है लॉन्ग मेथड का, वो क्या है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड, दो मेथड है इसको करवाने के। जो लॉन्ग मेथड है हमारा, उसका जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला है लॉन्ग मेथड के द्वारा। और शॉर्ट मेथड के अगर हम देखें तो शॉर्ट मेथड के अंतर्गत हमारा जो फार्मूला है वो है अजूम, इसमें हम जो है वो मीन अजूम करेंगे, ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू सी आई। सी आई क्या है यहाँ पर, आपका क्लास इंटरवल, जो आपका क्लास इंटरवल होता है, जैसे आपका डाटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 5 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40, ये क्या है आपका जो बीच में ये जो 10 का गैप है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लास इंटरवल कहलाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, ये लॉन्ग मेथड से था और ये शॉर्ट मेथड से। ठीक है, ये मीन निकालने के जो है वो तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये था आपका, दूसरा फार्मूला ये है। दूसरे फार्मूले के अंदर ये एक ग्रुप डाटा से आपका, एक अनग्रुप डाटा से है। ठीक है, और ये लॉन्ग मेथड से इस प्रकार से निकाला जा सकता है, और शॉर्ट मेथड से जो है वो इस प्रकार से क्या है आपका मीन जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो मीन है वो समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी क्या है, मीन के कुछ लाभ भी हैं, कुछ जो है वो दोष भी हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।